अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आज दूसरे एपिसोड की शुरुआत कॉटन से होती है, जिसे कहीं ना कहीं पता था कि अंकल विल्स बेकसूर थे और उसने एक बेकसूर को मार दिया। जो सोच कर वो भगवान से विनती करता है कि वो उसे कोई इशारा दे जिससे उसे पता चल सके कि वो सही कर रहा है या नहीं। अब आगे माइजैक को देखते जो एक बड़े से गड्ढे में अंकल गिल्स की लाश को फेंक देता है, जहां उनके जैसे और भी कई सारे लाशी थी, पर ये जगह कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये बस एक डंपिंग ग्राउंड था। वहीं दूसरी तरफ अपना मन शांत करने के लिए कॉटन एक प्रोस्टिट्यूट ग्लोरीना के पास जाता है, पर जॉन भी वहां पहुंच जाता है और गुस्से में कॉटन की जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अंकल गिल्स कॉटन की वजह से ही मारे गए थे। पर फिर कॉटन उसे कुछ बात बताता है जिससे वो शांत हो जाता है, क्योंकि ये बात सहबाट से मिलती जुलती थी, जिस पर जॉन कॉटन को कल रात वाली जगह दिखाना चाहता था। पर इससे पहले ही मिस्टर हिल जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने अंकल जे को मारने से रोकने की कोशिश की थी। पर असल वजह ये थी कि मिस्टर हिल ने जॉन को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो विचेस के हर काम में दखल दे रहा था। जॉन अब वहां से जाने से पहले कॉटन को आइजैक से मिलने को कहता है और मिस्टर हिल के साथ वहां से चला जाता है, जहाँ फिर जॉन के अरेस्ट होने की बात मैरी को पता चल जाती है। और अब उसे शक था कि मिस्टर हिल जॉन को रास्ते से हटाने के लिए उसे मरवाने की कोशिश करेगा, पर मैरी जॉन से अब भी प्यार करती थी, इसलिए वो मिस्टर हिल को दूसरे काम में उलझा देती है, जहाँ मिस्टर हिल को पेट्रोस को ढूंढने का काम दिया जाता है। दरअसल पेट्रोस विचेस के लिए जासूस का काम करता था, और उस रात सहबार्ट किस इंसान की वजह से रुक गया ये उसे पता होगा, इसलिए अब मिस्टर हिल पेट्रोस को ढूंढने निकल जाता है। और फिर उनके जाने के बाद मैरी जॉन को जाकर आजाद कर देती है और उसे सलेम छोड़कर जाने का सुझाव देती है, पर जॉन मैरी को अब भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मैरी इस पर साफ इनकार कर देती है। आगे आइजैक कॉटन को जंगल में लेकर उसी जगह आता है जहाँ उसने जॉन के साथ सहबाट होते हुए देखा था, जहाँ कॉटन को विचेस का एक पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर से उसे कटा हुआ हाथ मिलता है, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जिससे कॉटन को समझ आ जाता है कि इन दोनों ने होना हो कल रात सहबाद रिचुअल होते हुए देखा होगा। अब अगले दिन हम एक घर में एक प्रेग्नेंट औरत को बच्चे को जन्म देते हुए देखते हैं, जिसे ब्रिगेड असिस्ट कर रही होती है। फिर तभी वहाँ मैरी आ जाती है और उस औरत से उसके बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए जोर देती है, वरना वो उसे इस बच्चे को पैदा करने नहीं देगी, क्योंकि वो बिना शादी किए ही बच्चे को जन्म दे रही थी। पर खुद एक औरत होने के नाते मैरी का ऐसा बर्ताव देखकर ब्रिगेड हैरान हो जाती है। वहीं मैरी को इस औरत को देखकर अपना खुद का बच्चा याद आ रहा था, जहाँ मैरी अपने आप को किसी तरह शांत करती है और फिर उस घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हेल को जंगल में पेट्रोस मिल जाता है, जिसकी बाद वो उसके साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ हम पेट्रोस के पास वही आंख से हिला हुआ मेंढक देखते हैं जो उसका पालतू था, और उसी के जरिए ही पेट्रोस मिस्टर हेल को उन इंसानों के बारे में बताएगा, पर उसे इस काम के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। अब अगले दिन मैरी चर्च जाती है, जहां मसीह को क्रॉस से बांधकर रखा गया था, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर ब्रिगेड मसीह को रिहा करने को कहती है, क्योंकि उसे दुआ की नहीं दवा की जरूरत थी, पर मैरी इस पर साफ इनकार कर देती है। अब आगे हमें पता चलता है कि विचेस को 13 बेकसूर इंसानों की सोल चाहिए थी, जिससे वो अपना ग्रैंड राइट पूरा कर सके, जिनमें से 4 पूरे हो गए थे पर अभी भी 9 सोल्स बाकी थे। फिर उसी रात एक और किटी का लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस पर वो ब्रिगेड के पास जाती है, पर जैसे ही ब्रिगेड किटी के पेट पर हाथ लगाती है तो किटी को उसमें एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर तब तक वो एक बच्चे को जन्म दे देती है, जहां वो मरा हुआ निकलता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। उधर कॉटन को पता चलता है कि विचेस लाशें चुरा रहे उस डंपिंग ग्राउंड से जहां अंकल गिल्स की लाश को भी फेंका गया था, इसलिए जॉन गिल्स की लाश को कब्रिस्तान में दफना देता है। अब अगले दिन मैरी किटी से मिलने जाती है और उसे ये मनवाती है कि उसने ब्रिगेड में एक चुड़ैल को देखा था, पर ये सारा प्लान मैरी का ही था और उसी की वजह से किटी ने ब्रिगेड में एक चुड़ैल को देखा था। ब्रिगेड दरअसल मैरी के काम में दखल दे रही थी, इसलिए उसने ये सारी योजना बनाई जिससे उसे एक और सोल भी मिल गई। फिर मैरी कॉटन को बुलाकर उसे वो मरा हुआ बच्चा दिखाती है और बहकाती है कि ये एक शैतान का भेजा हुआ बच्चा है
जो सबूत है कि शैतान भगवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं, जिससे उन्हें कॉटन ही बचा सकता है। अब अगले दिन कॉटन मैरी की बात में आकर चर्च में ब्रिगेड पर आरोप लगाता है कि वो एक वीच है। वहीं चुपके से मैरी अपने काले जादू की मदद से मर्सी से ब्रिगेड पे खून की उल्टी करवाती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ब्रिगेड ही वीच है, इसलिए वो उसे अंत में फांसी दे देते हैं, जिससे अब मैरी के पास एक और बेकसूर इंसान की लाश आ जाती है। दूसरी तरफ मैरी ने कॉटन को अपनी बातों से इतना भड़का दिया था कि वो अब पूरा उसके कंट्रोल में था और अब वो किसी और के बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। पर एन को ब्रिगेड की फांसी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि ब्रिगेड बेकसूर है, इसलिए एन इस बारे में जॉन से मदद मांगती है। जहां अब जॉन को लगता है कि ये सब बदलने के लिए उसे कुछ करना होगा, इसलिए वो तुरंत मैरी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्द एल्डन फैमिली के तरफ से सैलम के बोर्ड ऑफ सेलेक्टेड मैन के पद पर बैठने वाला है, जो जानकर मैरी घबरा जाती है, क्योंकि वो जॉन को कुछ होने नहीं देना चाहती थी। अब जॉन के जाने के बाद वो एन पर उसके बालों के जरिए काला जादू शुरू कर देती है, जिसके कारण एन को अपने कमरे में किसी की आने की आवाज आने लगती है, पर उसे लगता है कि वो कोई बिल्ली होगी। और फिर एक डरावने डॉल को दिखाते हुए पार्ट टू यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।